हम लोग मिठाई वगैरह तो अक्सर बनाते रहते हैं, लेकिन दूध से बनी मिठाई का स्वाद ही अलग होता है। तो इस रेसिपी में सिर्फ हम दूध और चीनी का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ दूध और चीनी से हम ये रेसिपी को तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बनाया है मिल्क केक सिर्फ दूध से बनी हुई, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। इस मिठाई को बनाने के लिए हम भारी तले के कोई बर्तन ले लेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है कढ़ाई और इसमें अब हम डाल देंगे पानी थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ फ्लेम ऑन किया हुआ है। अब पानी को हम चारों तरफ कढ़ाई में अच्छे तरीके से फैला लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम दूध डालेंगे कढ़ाई में तो वो अंदर की तले चिपकेगी नहीं। अब हम दूध डाल देंगे कढ़ाई में। तो मैंने यहाँ पर गाय का दूध का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर चाहें तो फुल फैट क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ लिया है 1.5 लीटर दूध। अब हम सारे दूध को डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप फ्लेम को हाई रखें। ये सारा प्रोसेस हमें हाई फ्लेम पर ही करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब जो साइड की ओर जो क्रीम इकट्ठी हो रही है वो हम सारे साइड से किनारे की ओर निकाल लेंगे और दूध के साथ ही मिक्स कर देंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में कुछ भी नहीं है, बस हमें दूध को गाढ़ा करना है। तो लेकिन दूध को गाढ़ा करने में बहुत टाइम लगता है, तो आप यहाँ पर ना किसी की मदद ले सकते हैं, घर में जो भी हो उनको कहिए मदद करने के लिए। तो आप इसे लगातार ना चलाते रहें, हाई फ्लेम कर दें और 5 मिनट के लिए चलाएं और फिर इसे छोड़ दें। फिर जब दूध में उबाल आने लगेगा तो फिर इसे आप चलाना। बस इसी तरीके से करके आपको दूध को गाढ़ा कर लेना है। इस रेसिपी को बनाने में जो भी मेहनत लगती है इस मिठाई को बनाने में, वो बस दूध को गाढ़ा करना ही है। आप दूध को चढ़ाकर ज़्यादा देर तक मत छोड़ना, इधर उधर मत जाना, क्योंकि क्या होगा कि आप दूध को छोड़ देंगे तो दूध महाराज बुरा मान जाएंगे और वो उबल कर नीचे गिर जाएगी। सच्ची बता रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। मैंने दूध को चढ़ा दिया और थोड़ी देर के लिए भी मैं इधर उधर गई, दूध से नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो आप ऐसा गलती मत करना। और ये देखिए, जैसे जैसे मैं चला रही हूँ वैसे वैसे ये दूध गाढ़ी होती जा रही है। और फ्रेंड्स, ये देखिए दूध को चलाते चलाते ये क्वांटिटी में बिल्कुल हाफ हो गई है। तो इसी स्टेज पर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर इलायची का पाउडर। तो मैंने यहाँ 1 कूटी हुई इलायची का पाउडर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इलायची पाउडर जो मिलता है रेडीमेड, आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और बस अब इलायची का पाउडर डालकर इसे और अच्छे से मिक्स कर देना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए। अब 2 से 3 मिनट इसे चलाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो यहाँ पर चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप और थोड़ा सा चीनी, और मतलब 1.5 कप मैंने यहाँ पर चीनी ऐड किया है। तो इस ये मिठाई ना मीठी ही अच्छी लगती है खाने में, तो यहाँ पर आप चीनी उसी हिसाब से डालें। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ 1.5 लीटर में मैंने कितने चीनी का यूज किया है। मैंने यहाँ टोटल 125 ग्राम चीनी का यूज किया है 1.5 किलो दूध में। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पर चीनी के जगह पर शुगर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करना क्यों, चीनी लेना है फिर पीसना है, जब चीनी डालेंगे तो मेल्ट होना ही है, तो हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी ही ऐड कर दिया। अब चीनी के ऐड करते ही आप देखिए ये चीनी मेल्ट होते ही ये जो हमारा मिश्रण था वो बिल्कुल पतला जैसा हो जाएगा। तो बस इसे हमें ना मिक्स करते जाना है और इसे बर्फी की जमने की कंसिस्टेंसी में ला देना है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इस मिठाई को बनाएं तो बहुत ही पेशेंस से बनाएं। यकीन मानिए मेहनत लगती है, लेकिन जब यह बर्फी बनकर तैयार होती है तो दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस बर्फी को आप जब खाइएगा तभी आप इसका टेस्ट बता सकते हैं, इतनी बढ़िया ये बनती है। और बस ये देखिए कढ़ाई के तले छोड़ रही है और ये बर्फ़ी जमने की कंसिस्टेंसी में आ गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। तो आप प्लेट को ग्रीस कर लें और ग्रीस करके इसे सारे मिल्क केक के मिश्रण को निकाल लें और इसे चारों तरफ अच्छे से फैला लें, चौकोर कर लें ताकि इसकी बर्फ़ी अच्छी तरीके से कट सके। ये देखिए मैंने चौकोर कर लिया है। अब हम इसे ना 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब 1/2 घंटे के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे काटने से ही आपको दिख रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसे बाहर भी रख सकते हैं और अगर चाहें तो फ्रिज में भी आप इसे रख सकते हैं सेट होने के लिए।
और अब क्या, बस इसको कटिंग कर देना है और प्लेट में निकाल देना है। तो देखिए मैं आपको एक पीस दिखा रही हूँ निकाल कर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए अब क्या, अब आप भी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट में बताइए कि आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।